कोरोना काल में ही मैं स्टेट खेल कर आ गई थी। उसके बाद से मम्मी पापा और दादा दादी की परमिशन से मैं आगे बढ़ती गई और फिर इंटरनेशनल तक पहुंच गई। इस गोल्ड मेडलिस्ट की जितनी उम्र है उससे ज्यादा कामयाबियां। लॉकडाउन में खूब सोती थी, परेशान माँ ने अखाड़ा भेजा, सीएम ने बुलाकर किया सम्मान। नमस्कार मित्रों, मैं हूं तनवीर सिंह सोलंकी और आप देख रहे हैं खोजी खयाना न्यूज। जो दर्शक हमसे अभी नए जुड़े हैं उनसे हमारा निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दे ताकि हम आप तक ला सके देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरें। तो आइए शुरू करते हैं, आपको मिलवाते हैं ऐसी बच्ची से जिसकी उम्र तो सिर्फ 14 साल है लेकिन जब हाथ में लाठी पकड़कर घुमाती है तो अच्छे अच्छे दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। जितनी इस बच्चे की उम्र है इससे ज्यादा कामयाबी इसने अपने नाम कर ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक भोपाल बुलाकर इस बेटी का सम्मान कर चुके हैं। हम आपको जानकारी बताए, नाम है वंशिका महेश्वरी, नेशनल लेवल पर लाठी चलाने में गोल्ड मेडल जीत चुकी है, इंटरनेशनल लेवल पर ब्रांच मेडल हासिल कर चुकी है। वंशिका के लाठी चलाने के सीखने के पीछे इंटरेस्टिंग किस्सा जुड़ा हुआ है, आइए हम आपको बताते हैं। आज हम आपको यही किस्सा बताने जा रहे हैं। मार्च 2020 कोविड लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, घर में ही रहो, एक रूम से दूसरे, ज्यादा रूम है तो तीसरे में चले जाओ। बच्चों ने घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई की, बोर होने पर टीवी देखी, पर कितनी देर तक? कुछ बच्चों ने गैजेट्स की लत लगा ली, लेकिन बैतूल की वंशिका को सोने की लत लग गई, साफ कहे तो वह आलसी हो गई। हमारी टीम से बात करते हुए वंशिका बताती है कि जब ज्यादातर समय सोने में गुजारने लगी तो माँ भी परेशान हो गई, उन्होंने मुझे अखाड़ा ज्वाइन करा दिया, बस यहीं से उनकी लाइफ में सक्सेस का टर्न आ गया। वंशिका कहती है, कोरोना काल में मैं सुबह देर तक सोती रहती थी, माँ मेरी आदत से परेशान थी, देर तक सोने के लिए माँ की डांट भी पड़ती थी, लेकिन मेरा सोना जारी रहता था, बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता था, लगता था कुछ देर और सो लूँ, बस 5 मिनट और 10 मिनट, और मेरी दोस्त के पापा अखाड़ा चलाते हैं, कोरोना की वजह से लगी पाबंदियाँ हटी तो मेरे ज़्यादा सोने से परेशान माँ ने उनसे बात की, बोली बेटियां सुबह देर तक सोती रहती है, आप अखाड़े में उनके लिए कुछ कीजिए। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हम आगे लिए चलते हैं आपको, बैतूल में पहली बार लाठी चलाने वाली लड़कियों का ग्रुप तैयार हुआ, मैंने अखाड़े में जाना शुरू कर दिया, दोस्त के पापा ने मुझे लाठी चलाना सिखाया, पहले स्कूल लेवल पर लाठी चलाने में अवार्ड जीता, इसके बाद ब्लॉक, जिला, संभाग, स्टेट और नेशनल लेवल पर खेला। नेशनल लेवल पर मध्य प्रदेश की ओर से मैंने पहली बार गोल्ड जीता, नेपाल में इंटरनेशनल लेवल पर लाठी चलाने में मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, अभी हरिद्वार में हुए नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं। जिन लोगों को मैं बताती हूँ कि मैं लाठी चलाती हूँ और इसी गेम में मुझे गोल्ड मेडल मिले हैं तो लोग चौंक जाते हैं कि लाठी भी कोई गेम होता है। दूसरा लॉकडाउन लग गया तो घर पर ही प्रैक्टिस की, पाबंदियां में ढील मिली तो फिर अखाड़ा जाना शुरू कर दिया। दिन की शुरुआत अखाड़े में लाठी चलाने की प्रैक्टिस से होती है, सुबह 4 बजे से सुबह 8 बजे तक प्रैक्टिस करती हूँ, इसके बाद का समय पढ़ाई और अपने दूसरे कामों को देती हूँ, सही समय पर सो जाती हूँ, सुबह 3 बजे तक बिस्तर छोड़ देती हूँ। हम आपको जानकारी बता दें, अखाड़े में लाठी की ट्रेनिंग ले चुकी वंशिका 9th की छात्रा है, वह लाठी चलाने के अलावा शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम भी करती है और वह डॉक्टर के रूप में अपना करियर बनाना चाहती है। आशा है आपको खबर पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।